चीज। मैं आया जब तो बिल्कुल मेरे चलने की भी हालत नहीं थी, ऐसे आया था मैं यहाँ पे। अब तो मैं पहली थेरेपी में मैं 3 मंजिल पे चढ़ गया था ऊपर। अच्छा, पहली बार हाँ, में ही। पहली बार में। तो पहले फिलहाल बैठे हम एडवांस नेचुरोपैथी क्लिनिक डॉक्टर मनिंदर के पास भाई, और एक मित्र बैठे हैं, इनकी थेरेपियाँ करवाई हैं। और क्या क्या तकलीफ थी इनसे पूछ रहे हैं। राम राम भाई, कहाँ राम भाई, से हैं। मेन तो हमारा डबोदा गांव है, रहते शुरू से ही यहीं पे हैं, नजफगढ़ में। नजफगढ़ में क्या क्या तकलीफ थी। मैं जी पीछे से जिम में जाने लग गया था। जिम में मैंने डेडलिफ्ट मारी तो मेरा 200 किलो वजन उठा लिया था, तो पीछे डिस में गैप हो गया था। तो फिर हॉस्पिटल वगैरह में गए, 3-4 हॉस्पिटल बदले, मेदांता में गए तो उन्होंने 6 लाख रुपए मांग लिए थे मेरे से ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए। तो फिर मेरे को किसी ने एडवाइस दी कि जिन्होंने ऑपरेशन करवा रखा था कि भाई ऑपरेशन मत करवा, नहीं तो बैठ बैठ जाए बिल्कुल। जाएगा, बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। तो फिर इनका मैंने नेट पे देखा था, इन्होंने यहाँ दुकान खोल रखी थी, एक पास में ही पड़ता है बिल्कुल। तो मैं यहाँ के थेरेपी वगैरह करवाई, मेरे को आराम लगा। और फिर अब 1 महीना रेगुलर आया था मैं, तो फिर अब मैं कावड़ भी ले आया, तो मेरे को अच्छा, इतना बिल्कुल फिट हो गया अब मैं, अब कोई डिस्क में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और हाँ व्यायाम वर्जिश करते हो। हाँ सारी चीज। मैं आया जब तो बिल्कुल मेरे चलने की भी हालत नहीं थी, ऐसे आया था मैं यहाँ पे। अब तो मैं पहली थेरेपी में मैं 3 मंजिल पे चढ़ गया था ऊपर। अच्छा, पहली बार हाँ में ही। पहली बार में। तो हाँ फिर यहाँ मतलब जैसे थेरेपी की है इनको, डिस्क के कोई छल्ले वगैरह डिगे हुए थे या गैप हो गया था या फिर टूट गैप गई। हो गया था, एक तो नस दब गई थी अच्छा और ये वाला लेफ्ट पैर बिल्कुल सुन हो गया था, ये काम ही अच्छा नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। अच्छा हाँ कभी कभी बैठता उठता था तो ज्यादा देर बैठ गया तो एकदम उठा नहीं जाता था। हाँ तो अब यहाँ मतलब 1 महीना थेरेपी करवाई आपने। मैंने बिल्कुल 1 महीना लगातार मैं इन्होंने थेरेपी, कहा कि पूरा कंप्लीट करवाओ, हाँ अपना क्योंकि कंप्लीट बहुत कोर्स। नाजुक चीज है भाई। देखिए, रीढ़ की हड्डी जो है मनुष्य की, रीढ़ कहते हैं ना भाई, हर फलानी चीज की रीढ़ है ये। हाँ रीढ़ ऐसी चीज है कि जो पूरे जीवन का, हमारे शरीर का पूरा ढांचा इसके ऊपर टिका हुआ है। हाँ इसके सही बगैर बात न है। चल पाते हैं, न उठ पाते हैं, हाथ पैर कुछ नहीं पाते। हाँ तो यानी कि 1 महीने की थेरेपी करवाई आपने, तो दवाइयां वगैरह भी देती है। नहीं तो दवाई नहीं, तेल वगैरह देते हैं, हाँ, तेल तेल लगाने के लिए, अच्छा, मालिश करने मालिश के के लिए। लिए हाँ, और योगा वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह करने के लिए बोलते हैं। तो अब आप बिल्कुल ठीक है, अब खड़े होके दिखाएंगे एक बार मेरे दर्शकों को। अब तो मैं बिल्कुल डिप्स वगैरह भी सारी चीज लगा देता हूँ मैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल। ये क्या है, डंड बैठक सारी हाँ काट दंड दे। बैठक सारी लगा लूँ मैं तो। अच्छा, मैं कोई ढाई तकलीफ, सौ कोई दर्द नहीं किसी तरह का। कोई की कहीं भी दर्द तो नहीं मेरे है। दर्शकों के कहना चाहोगे भाई, डॉक्टर मनिंदर है जो वैद्य मनिंदर जी हैं, एडवांस नेचुरोपैथी जो यहाँ पर है सुरपुरा रोड पर, इसमें लोगों का इलाज जो मैं दिखा रहा हूँ, काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि जूझ तो नहीं है, इसलिए हम मतलब लोगों से सीधे पूछते हैं सवाल। तो आप क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा भाई, मनिंदर डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर लगे मेरे को अपने पूरे दिल्ली में। दिल्ली में बेस्ट इसलिए लगे क्यों, मैं मेदांता हॉस्पिटल में गया तो वे ना तो पूरी ठीक होने की वे ले रहे थे, हाँ और ना ही पूरा मतलब ऐसे भी नहीं बोल रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक ही हो जाएंगे। पर्चा साइन करवा रहे थे कि अगर पैरालाइज हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, मर गया तो जिम्मेवारी तो नहीं। जिम्मेवारी नहीं है। वो तो ये जिम्मेवारी गारंटी लेते हैं भाई, वो ये गारंटी लेते हैं भाई, हमारी कोई गारंटी नहीं हाँ वो इस बस ही चीज की है। गारंटी लेते हैं हाँ वो। तो ये तो देखो, आप लोग सभी जाते हैं हॉस्पिटलों में, जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या छोटे में चले जाइए, सबसे पहला काम होता है एक फॉर्म भरवाते हैं कि कुछ भी हो जाता है तो वैद्य के डॉक्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो हमारे गलियों में वो हीरे छुपे हुए हैं, ऐसे कोहिनूर छुपे हुए हैं जिनकी हम कदर नहीं कर रहे। लाखों रुपए से ठीक नहीं हो सकते थे, और यहाँ के थेरेपी से हो गए। सारी थेरेपी दिखाऊंगा, किस प्रकार थेरेपी करते हैं, कैसे कैसे मरीज यहाँ पर ठीक हुए हैं, पूरे मरीज से बात कराऊंगा। तैयार चाहे 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़ी है मेरे को, तो आपकी सभी से बात करवाऊंगा। मनिंदर सिंह थेरेपी दे रहे हैं बुजुर्ग को, इनसे पूछेंगे कौन है, अभी आए हैं हमारा, आते ही इनको थेरेपी दे रहे थे और
कहाँ से आए हैं, कितनी बार आ चुके हैं, सारी बातें पूछेंगे इनसे, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, तो ये सारी बात आपको बताएंगे। अभी ये कपिंग थेरेपी दे रहे हैं, ये देखिए, तो देखिए भाई एक और अंकल जी आए हैं अभी अभी, और आज हम सुबह से ही भाई रेड पे हैं, छापा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हम हर वैद्य की छानबीन करे बगैर छोड़ते नहीं हैं। तो आज पूरा दिन हम वैद्य मनिंद्र के साथ हैं, यहाँ पर हर उस मरीज के बारे में आपको जानकारी देंगे जो यहाँ पर आएंगे, और क्या क्या समस्या ले कहते हैं, क्या वास्तव में ठीक हो रहे हैं, लकवा, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जो ये मतलब दावा कर रहे हैं उस दावे पे कितना खरा उतरते हैं, हम ये दिखाएंगे। नमस्कार अंकल जी, कहाँ से हैं? यहाँ कुल्ला से है। कहाँ से? गांव। गांव कौन सा? गोपाल नगर। गोपाल नगर यहीं? हाँ। दिल्ली में ही? हाँ दिल्ली। अच्छा, क्या कुल्ले में कितने दिन से है प्रॉब्लम? 11 साल से है। 11 साल से? अच्छा, तो चलने में, उठने बैठने में दिक्कत है पूरी? हाँ। दर्द होता है? हाँ दर्द होता है। अच्छा, आप इनके साथ हैं? हाँ जी। बैठे हैं इनके? हाँ जी। तो आप बताएं अच्छे से, कितनी समस्या है इनको, क्या क्या तकलीफ? इनकी उठने में दिक्कत होती है जी, कमर में से लेके नीचे तक, घुटनों तक, पैरों तक जाते हैं दर्द। अच्छा, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते? हाँ, सोने में दिक्कत आती है, बैठने में दिक्कत आती है, चलने में भी दिक्कत बिल्कुल आती है। तो देखते हैं भाई, कहते हैं कि चमत्कार करते हैं वैद्य मनिंद्र जी, और आज इनको चल के दौड़ लगा के दिखाएंगे, आज आपको चला दें यहाँ अच्छे से, दर्द में राहत मिल जाए तो ठीक रहेगा क्या? ठीक रहेगा जी। फिर तो वैद्य को मानेंगे आज। मैं भी तभी मानूंगा जब आपको आज थोड़ा रिलीफ देंगे। ठीक है। हाँ चलो, अच्छा है, बताएं वैद्य को क्या क्या समस्या आपकी, कितने साल से है, कहाँ कहाँ है, करें बात। तो देखिए भैया, अंकल जी की थेरेपी शुरू कर चुके हैं डॉक्टर मनिंद्र, और इनको 11 साल से तकलीफ है, बिल्कुल जाम हो चुके हैं, चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, हालत ऐसी हो चुकी है बहुत बुरी, और पहली थेरेपी चल रही है इनकी, और इनके रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ये कर रहे हैं सारी थेरेपी, और उधर अंकल जी उसका भी बताऊंगा मैं आपको। तो आज जो है वैद्य मनिंद्र नजफगढ़ सुरखपुर रोड, मैन सुरखपुर रोड के ऊपर है, बिल्कुल नजफगढ़ का बस टर्मिनल के सामने से गली आती है, सड़क जाती है सुरखपुर रोड को, तो उसी के ऊपर है एडवांस नेचुरोथेरेपी, प्रकृति की तरह सारे काम करते हैं, बिना दवाई, कोई भी दवाई नहीं देते हैं, कहीं दवाई नहीं है इनके यहाँ, कुछ नहीं है, सभी प्राकृतिक रूप से, हाथों से, मैनुअल और मशीनों से करते हैं। तो देखते हैं कितना आराम, कितनी राहत अंकल जी को मिलती है, दो दो अंकल जी आज हैं, और दोनों से अभी पूछ रहे हैं, और मरीज आ रहे हैं, उन मरीजों से अभी आपको लाइव दिखाऊंगा मैं। तो भाई अंकल जी ने ट्रीटमेंट करवाया, अभी थेरेपी करवाई है मनिंद्र जी से, तो आज आप दूसरी बार आए हैं? हाँ दूसरी बार आए। कल आए थे? कल आया था पहली बार, और आज दूसरी बार आए। दूसरी बार तो कितना आराम लग रहा है आपको? मुझे जो पैरों की उंगलियां थी वो सुन जैसी थी, हार्ड हो रही थी, वो तो बिल्कुल नर्म हो गई। अच्छा, सुननी थी? हाँ सुन हो रही थी, हार्ड हो रही थी बिल्कुल, जैसे ये मेरा पूरा पोजिशन हार्ड है ना, तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगा जब उंगलियाँ सॉफ्ट होगी तो, है ना, पर एक दो दिन में और हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज अनिमा दिया उससे जो काफ़ी पेट साफ हो गया मेरा। पेट साफ हो गया? हाँ जी। अच्छा। गैस काफ़ी निकली है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। तो और दर्द में भी राहत होगी अब तो? हाँ दर्द में राहत है। पैर, हाथ उठा के देखो एक बार, हाथ मेरा ठीक है? ठीक है। हाँ जी, हाथ तो उठता था लेकिन क्या है, हार्ड हुआ हुआ बिल्कुल, जो है ना नरम हो गया, नरम होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, दूसरे अंकल जी को और दे रहे थे भाई थेरेपी, इनको भी पूछते हैं, इनसे भी बात करते हैं।
राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी बताओ कैसा लगा थेरेपी देने के बाद? बहुत ठीक लगा। आराम है? आराम है। अच्छा पहली बार आया यहाँ पर? हाँ पहली बार। तो पहली बार में कितना आराम लग रहा है आपको? इसमें लगभग 40% 40% आराम लग रहा है। आप जैसे खड़े होकर देखो, आप खड़ा नहीं हो जा रहा था, देखिए भाई चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल लंगड़ा के चल रहे थे। अब देखिए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल रिलीफ हो चुके हैं, हाथ नहीं उठ रहे थे, हाथ देखो हाँ हो गया ना। अच्छा तो क्या मानते हैं वैद्य मनिंद्र, अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा 10 मिनट में ही कर दिया आराम? 10 मिनट है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद धन्यवाद।